अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग में आज टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन इंटरनल चेक इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल कंट्रोल आज के लेक्चर में हम इंटरनल चेक इंटरनल ऑडिट और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को क्लियर करने की कोशिश करेंगे यानी आप जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट स्टार्ट करते हैं तो उस आर्गनाइजेशन का कंट्रोल सिस्टम उस आर्गनाइजेशन का मैनेजरियल्स, uh, uh, उस आर्गनाइजेशन की मैनेजरियल हायरिकी हरिकल लेवल्स या उस आर्गनाइजेशन का एथिकल सिस्टम उस आर्गनाइजेशन का के रूल्स रेगुलेशंस या कंडक्ट कैसे आपको हेल्प आउट कर सकता है ऑडिट करने में या ओपिनियन में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जामिनेशन में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एग्जामिनेशन में सिंपल फाइनेंशियल ऑडिट में तो फर्स्ट जरूरी है कि हम इंटरनल कंट्रोल को क्लियर कर लें व्हाट इज़ इंटरनल कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल इंडिकेट्स द होल सिस्टम ऑफ कंट्रोल्स इम्प्लॉयड बाय द मैनेजमेंट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस इट इंडिकेट्स इंटरनल चेक इंटरनल ऑडिट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कंट्रोल्स Its efficient working in practical aspect is helpful not only for management but also for the external auditors. It includes all the methods followed by an organization to first protect its assets against their improper disbursement, protect against the increase of improper liabilities, assurance assure the accuracy and dependability of all the financial and operating information, judge operating efficiency, and last one is about all measures the adherence to established policies of the company. तो आपको क्लियर किया जा रहा है कि जब आप किसी भी आर्गनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे बात करते हैं तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम उस आर्गनाइजेशन का की मैनेजीरियल कंडक्ट है उस आर्गनाइजेशन के रूल्स रेगोलेशन हैं उस आर्गनाइजेशन के पॉलिसीज़ हैं उस हा आप किसी भी इदारे का जब पार्ट बनते हैं तो उस इदारे में आपको कंट्रोल सिस्टम नज़र आता है जहाँ मैनेजीरियल हाई रैक होती है कि हर एक पर्सन दूसरे पर्सन को रिस्पांसिबल होता है जैसे इंटरनल चेक है

या आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए जब कोई भी आर्गेनाइजेशन कोई भी कंपनी ऑपरेट कर रही होती है फंक्शन कर रही होती है हम कहते हैं कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है यानी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ पॉलिसीज़ या मैनेजमेंट कंडक्ट अगर किसी आर्गेनाइजेशन में हमें नज़र आता है ऑर्गेनाइजेशन उस पर बेस कर रही हो फंक्शन कर रही हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है अब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सिर्फ मैनेजमेंट को हेल्प आउट नहीं करता अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने में ऑर्गेनाइजेशन आपका अप्रेजल में वर्कर अप्रेजल में वर्कर परफॉर्मेंस एग्जामिन करने में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फाइनेंशियल एफिशिएंसी देखने में सिर्फ हेल्प आउट नहीं कर रहा होता जब आप एज ऑडिटर ऑर्गेनाइजेशन का कंपनी का ऑडिट स्टार्ट करते हैं तो आपको इंटरनल कंट्रोल हेल्प आउट करेगा जिसकी बेसिस पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं चीज़ों को आप एथिकल कंडक्ट देख सकते हैं आप लीगल रूल्स रेगुलेशन की फॉलोइंग एग्जामिन कर सकते हैं आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड इंट एक्टिविटीज़ को एनालाइज़ कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल या अकाउंटिंग एरर्स को आप लोकेट कर सकते हैं और उसकी बेसिस पे अपना ओपिनियन दे सकते हैं यानी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्ट एसेट्स क्या है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प आउट करता है प्रोटेक्ट एसेट्स अगेंस्ट देयर इम्रॉपर डिसबर्समेंट कि आपके कंपनी में जितने भी एसेट्स हैं चाहे वो कैश है चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स हैं इन्वेंट्रीज हैं मशीनरी है बिल्डिंग है लैंड है जो भी आपके पास एसेट्स हैं उन तमाम की इम्प्रॉपर डिसबर्समेंट से आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आर्गनाइजेशन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिसोर्स को प्रोटेक्ट करता है एसेट्स को प्रोटेक्शन करता है यानी कैश की एम्बेजलमेंट uh, ना हो कैश की मिसफ्यूजेंस ना हो इमोपर आउटफ्लो ना हो इम्प्रॉपर डिसबर्समेंट ना हो इन्वेंट्री या स्टॉक की इम्प्रॉपर डिसमेंट ना हो प्रीपेड जो हैं वो इम्प्रॉपर ना हों लैंड आपके पास है बिल्डिंग डेप्रेशन है मशीन डेप्रीशन है प्लांट एंड मशीनरी जिसे हम कह सकते हैं डेप्रीशन तो ये डिफरेंट फिक्स्ड एसेट्स हैं करंट एसेट्स हैं आपके पास टेंजिबल इनटेंजिबल फिक्टिशियस, जिनकी इम प्रॉपर डिसबर्समेंट से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रोटेक्ट कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी को यानी जब आप देखते हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर कंट्रोल अप्लाई है वो प्री कंट्रोल हो सकता है वो समेटिव हो सकता है पोस्ट हो सकता है साइबरनेटिक कंट्रोल हो सकता है तो ये तब अगर इनमें से कोई कंट्रोल अप्लाई किया गया है तो उसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली प्रोटेक्शन है अगेंस्ट इंप्रॉपर डिसबर्समेंट्स ऑफ एसेट्स कि हमारे कंपनी के एसेट्स जो हैं वो इम्प्रॉपर डिस ना हो गलत यूज ना हो फ्रॉड ना हो उनमें करप्शन ना हो तो इसे आप क्या कहते हो कि ये इंटरनल कंट्रोल है उस कंपनी का इस ऑर्गेनाइजेशन का इसी तरह अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी कंपनी में आपको कोई ऐसा सिस्टम नज़र आए जो आपकी लाइबिलिटीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्शन में दाए इनके साफ इनप्रॉपर लाइबिलिटीज के लाइबिलिटीज अगर करना हो ऐसी जो आप जिनकी जिसकी आप ऑब्लिगेट नहीं हैं जिनकी ऑब्लीगेशन आपसे रिलेटेड नहीं थी जो नहीं होनी चाहिए थी उनको लाइबिलिटीज़ कंट्रोल के लिए लाइबिलिटी मैनेजमेंट के लिए जब आप काम करते हो और पॉलिसीज़ या स्ट्रेटजीज़ या रूल रेगुलेशंस या कंट्रोल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट किया जाता है इम्प्लाय किया जाता है तो आप इसे कहते हो कि ये इंटरनल कंट्रोल है यानी आप जब देखते हो बिल्स पेबल अकाउंट पेएबल नोट्स पेएबल लोन पेएबल लॉन्ग टर्म फॉर एग्ज़ाम्पल लाइबिलिटीज पेबल या आप रेंट पेएबल सेलरीज पेबल वेजेस पेएबल ये कुछ लाइबिलिटी इंश्योरेंस पेएबल इंटरेस्ट पेएबल टैक्सेस पेएबल आप टैक्स मैनेजमेंट करते हो ताकि इमप्रॉपर लाइबलिटीज़ से बचा जा सके आप करंट लाइबलिटीज़ मैनेजमेंट करते हो शॉर्ट टर्म लाइबलिटी जिसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म पेइंग एबिलिटी तो डेट पेइंग एबिलिटी तो ये बेसिकली लाइबिलिटीज करंट लाइबिलटीज़ की प्रोटेक्शन है इनक्रेस ऑफ इमप्रॉपर लाइबिलटीज़ ताकि हम पे ऐसी लाइब्रिटीज़ ना आए जो लाइबलिटीज़ रिलेटेड नहीं हैं या जिनको कंट्रोल किया जा सकता है यानी नॉर्मल और एबनार्मल की जब बात होती है तो नॉर्मल लाइबलिटीज़ एब नार्मल लाइबलिटीज़ से प्रोटेक्शन के लिए आप फिर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अप्लाई करते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जिसकी बेसिस पर आप इजीली लाइबिलिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं लाइबिलिटीज़ मैनेजमेंट करते हैं और जब ऐसा सिस्टम किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंटेड हो और हर ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंटेड होता है तो आपको ये आप इसे इंटरनल कंट्रोल कहते हो इसी तरह थर्ड जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का ऑब्जेक्टिव है वो है एश्योर दी एंड डिपेंडेबिलिटी ऑफ ऑल फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन जब फिर आप क्या कर लेते हो कि आप फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग इंफॉमेशन जो भी आपको अवेलेबल होती है चाहे वो अकाउंटिंग सिस्टम से आती है चाहे आपके फाइनेंस या फाइनेंस डिपार्टमेंट से आ रही होती है फ्लो आउट हो रहा होता है मीन्स के आउटपुट मिल रहा होता है आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपको मिल रही होती है तो ये आपकी रिलायबल uh, हो इसके लिए आप क्या करते हो आप फॉरेंजिक अकाउंटिंग अप्लाई करते हो आप सॉफ्टवेयर एक अकाउंटिंग पे काम करते हो या आप सॉलिड अकाउंटिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हो जो सिस्टम फ्लास से हट के हो जिनमें फ्रॉड uh, कम से कम हो एरर कम से कम हो जिनमें फ्रॉड और एरर्स को कंट्रोल करने के लिए आप एक सिस्टम इंप्लीमेंट करते हो एक नेटवर्क इंप्लीमेंट करते हो या अप्लाई करते हो ये आपके पास फाइनेंशियल uh, और ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हो जाता है यानी अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा सिस्टम हो जो जो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपकी फाइनेंशियल इन्फॉमेशन को रिलायबल इन्फॉर्मेशन को रेलिवेंस इन्फॉर्मेशन को रिलेटेड इन्फॉमेसन को जो फीडबैक वैल्यू रखती हो जो प्राइमरी और सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक बेस हो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तो आपको ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करती है एज अ मैनेजर और अगर ऑडिट हो रहा है कंपनी का तो एज ए ऑडिटर आप इसी इंफॉर्मेशन की बेसिस पे और इंटरनल कंट्रोल जितना स्ट्रांग होगा जितना स्मूथ होगा जितना रिलायबल होगा उतना ही उतनी ही आपके पास एकट इंफॉर्मेशन होगी आप ऑडिटर हैं तो आपके पास एकोरेट इंफॉर्मेशन होगी तो एक ऑडिटर रिलाई करता है किसी भी कंपनी कम्पन, के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे अगर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग हो स्ट्रेंथन हो उसमें वीकनेसेस कम हो, तो वो सिस्टम आपको ओपिनियन में हेल्प आउट कर रहा होता है और वो तमाम एविडेंसेस uh, आपको प्रोवाइड करता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो आपके लिए ज़रूरी हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं ओपिनियन में या डिसीजन मेकिंग में तो ये थर्ड पॉइंट था जो फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है मैं सिंपल वर्ड्स में यही कहना चाहूँगा ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अप्रेजल सिस्टम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट कंडक्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल ऑडिट इंटरनल कंट्रोल या वो तमाम ऑपरेशनल या एक्टिविटीज़ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल को वैल्यू को आ, की इम्प्रूमेंट में एप्रिसिएशन में हेल्प आउट करें आप तो वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ही कहलाएगा इसी तरह फोर्थ पॉइंट है जज ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। अब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की बेसिस पे आप एफिशिएंसी जज करते हो जब हम कंट्रोल को डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि डिफरेंस बिटवीन आर कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल वर्सेस एस्टिमेटेड, और तो जब आप एक सिस्टम दे चुके हो स्टैंडर्ड्स दे चुके हो अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स रूल्स रेगुलेशंस ऑर्गेनाइजेशनल बजट्स या पॉलिसीज़ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज जो वर्कर्स को जो ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स को फॉलो करने हैं उसकी बेसिस पे ऑपरेटिंग एफिशिएंसी जज कर सकते हो कि हमारे प्रॉफिट्स कहाँ हैं हमारे लॉसेस की पोजीशन क्या है ऑपरेशनल एफिशिएंसी कहाँ जा रही है नेट प्रॉफिट मार्जिन कहाँ जा रहे तो ये ऑपरेटिंग एफिशिएंसी जज करने के लिए आप एनालिसिस फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं तो जब ऑडिट हो रहा है और अगर ऑर्गेनाइजेशन एफएसए कर चुकी है तो एफएसए की बेसिस पे आपको ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्लियर होती है किसी भी कंपनी की और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एफ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है लास्ट पॉइंट हम इंटरनल कंट्रोल में ले सकते हैं वो है आल ऑल एड एडहेरेंस टू पॉलिसीज ऑफ पॉलिसी कंपनी अब आप लास्ट ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हेल्प आउट कर रहा होता है किसी भी कंपनी को किसी भी बिजनेस को ऑर्गेनाइजेशन को कि आप इंटरनल कंट्रोल की बेसिस पर पॉलिसीज बना सकते हैं पॉलिसीज uh, इस्टबलिश कर सकते हैं पॉलिसीज मेकिंग में आपको आपका कंट्रोल सिस्टम हेल्प आउट करता है जब आप अप्रेजल कर लेते हैं परफॉर्मेंस एनालाइज कर लेते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की डिफरेंट यूनिट्स की वर्कर्स की एम्प्लॉज़ की वर्कफोर्स की परफार्मेंसेस सामने होती हैं फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन सामने होती है, financial, -financial सामने होती है तो इसकी बेसिस पे आप इजीली डिफरेंट पॉलिसीज़ इस्टेबलिश कर सकते हैं पॉलिसीज़ यानी चेंज मैनेजमेंट की तरफ भी आप जा सकते हैं तो ये था इंटरनल कंट्रोल अब हम देख लेते हैं डिफरेंस क्या है इंटरनल कंट्रोल इंटरनल चेक और इंटरनल uh, ऑडिट The expressions internal audit, internal check, and internal control have been used indiscriminately and they are differentiated from each other as under internal check. It means a system under which the work relating to carrying out. Recording the transaction is allocate, allocated amongst various persons in such a manner that the work of one person is automatically checked by another and thus possibilities of fraud or errors or irregularity are minimized if not completely eliminated. Internal check hum, kya jab business transactions. अकाउंटिंग साइकिल को साइकिल को अगर फॉलो करते हैं तो रूल यही कहता है कि जर्नलाइजिंग के लिए आपके पास वर्कर हो इसी तरह अकाउंट्स के लिए लेजर के लिए पोस्टिंग के लिए अलहदा यूनिट हो आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपरेशन के लिए आ, या सेटलमेंट के लिए अलहदा यूनिट हो अलहदा डिपार्टमेंट हो तो ये अब देखें एक पर्सन एक यूनिट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यानी बुककीपर अगर फ्रॉड करेगा या एरर करेगा तो उसके फ्रॉड जब नेक्स्ट पर्सन कोई और डिपार्टमेंट होगा आप कोई और सेपरेट एडिशनल वर्कर रखेंगे या लेंगे हायर करेंगे तो वो वर्कर इजीली प्रीवियस के एरर्स या फ्रॉड को लोकेट कर सकेगा इसी तरह अगर ट्रायल होने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ आप जा रहे हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो वर्कर बना रहा है या प्रिपेयर कर रहा है तो वो इजीली फ्रॉड जो प्रीवियस यूनिट ने काम किया या एम्प्लॉई ने काम किया अकाउंटेंट ने काम किया उसके फ्रॉड लोकेट कर पाएगा ये इंटरनल चेक है तो आप हर कंपनी हर बिजनेस में देखते हो हर ऑर्गेनाइजेशन में देखते हो कि वहाँ मैनेजीरियल हायर या ऑर्गेनाइजेशनल हायर जो है ये इंटरनल चेक है जो इंटरनल कंट्रोल को एक कम्पलिश करता है फाइनलाइज करता है कि जब आप इंटरनल चेक अप्लाई कर रहे हैं कि टॉप मैनेजमेंट है मिडिल मैनेजमेंट है लोअर फिर हर एक डिपार्टमेंट में आप देखते हो कि चेयरमैन है या हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उसके फिर अंडर और वर्कर्स काम कर रहे होते हैं जो हर एक वर्कर से फाइल मूव होते हुए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मूव होते हुए अकाउंटिंग बुक्स रजिस्टर्स मूव होते हुए नेक्स्ट फेज में जाते हैं और नेक्स्ट फ़ेज़ में रिस्पॉन्सिबल जो पर्सन होगा जो अथॉरिटी होगा वो कुछ कोई और होगा डिफरेंट पर्सन होगा उससे आप देखते हो कि फिर ईजीली फ्रॉड लोकेट हो सकते हैं आ, एरर्स लोकेट हो सकते हैं जब बैनाजीरियल हरैकी जब आपके वर्कर्स अथॉरिटी या वर्कर स्टैंडर्ड्स चेंज होते जाएं तो ये है इंटरनल चेक जिसे हमने सिंपल वर्ड्स में कहा व्हेन द वर्क ऑफ वन पर्सन ऑटोमेटिकली चेक बाय अदर तो इससे इजीली आप चेक कर सकते हैं फ्रॉड और इरेगुलरिटी जो है ये कम हो सकती है नेक्स्ट है इंटरनल ऑडिट इंटरनल ऑडिट बेसिकली जब कोई भी कंपनी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने ही वर्कर्स में से स्किल बेसिस पर एक्सपर्टीज बेसिस पर या सीनियरिटी बेसिस पर एक टीम बना ले जो इस टीम का काम हो कि वो डिफरेंट यूनिट्स का जाके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का जाके ऑडिट करेगी ये बेसिकली रूल uh, तो यही है ये डिपेंडेंट uh, ना हो इंडिपेंडेंट uh, होने चाहिए लेकिन यहाँ एक फ्लॉ आ जाता है कि ये जो इंटरनल ऑडिट है इंटरनल ऑडिट जो स्टाफ होता है या टीम है ये डिपेंडेंट हो जाती है मैनेजमेंट पर मैनेजमेंट जैसे इनको ऑपरेट करना चाहती है ये वैसे ऑडिट करते हैं फिर यहाँ कुछ और डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं कि जब आप जिस इदारे का पार्ट हैं और उसी में ही आपको ही इंटरनल ऑडिट टीम बना दिया गया है, या हेड ऑफिस से वर्कर्स को इंटरनल ऑडिट के लिए भेजा गया है या डिफरेंट ब्रांचेस से कुछ लोग लिए गए हैं जो एक टीम बना के उसको उनका उन, उनसे आप ऑडिट करवाने जा रहे हैं तो वहाँ फिर जब प्रोफेशनल जेलिसी की बेसिस पर प्रोफेशनल uh, बाइसिस की बेसिस पर या डिस्क्रिमिनेशंस की बेसिस पर या डिस्प्यूट्स की बेसिस पर आप देखते हो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और एक प्रॉपर ऑडिट ओपिनियन नहीं इस्टबलिश uh, हो पाता टीम की नहीं इस्टबलिश कर पाती तो इंटरनल ऑडिट के ड्रॉबैक्स हैं लेकिन इंटरनल ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिटर को हेल्प आउट करता है जब इंटरनल ऑडिटर्स ओपिनियन इस्टबलिश करते हैं तो एक्सटर्नल ऑडिट उन्हीं ओपिनियंस की बेसिस पर एक्सटर्नल ऑडिट स्टार्ट करते हैं उसको एज ए एविडेंस ले सकता है कि आपकी अपनी ही टीम्स ने इंटरनल ऑडिट किया और उन्होंने कुछ सजेशंस दी वो सजेशंस ये हो सकती हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स जो अपलिकेबल नहीं है रिलाईबल नहीं है फिजिबल नहीं है या यहाँ वर्कर्स डमी हैं यहाँ वेजेस में फ्रॉड हो रहा है यहाँ सेलरीज में फ्रॉड हो रहा है पेरोल शीट्स में फ्रॉड नज़र आया आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में फ्रॉड नज़र आया और उस करप्शन हो रही है किसी भी यूनिट में डिपार्टमेंट में ऑर्गेनाइजेशन में और अगर ये रिपोर्ट्स इंटरनल ऑडिट सजेस्ट कर चुका है ओपिनियन दे चुका है तो एक्सटर्नल ऑडिट इसी ओपिनियन को बेस बना सकता है तो इंटरनल ऑडिट भी इंटरनल चेक का पार्ट है इंटरनल चेक की जब इंटरनल कंट्रोल की सॉरी इंटरनल कंट्रोल की जब हम कहते हैं ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिनल इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट इंटरनल कंट्रोल को कंप्लीट करते हैं क्लियर तो अब इंटरनल ऑडिट देख लें इट इज़ अ कंटिन्यूस रिव्यू ऑफ ऑपरेशन एंड रिकॉर्ड्सन विद इन द बिजनेस एंड इज़ नॉर्मली डन बाई स्पेशल असाइंड स्टाफ इट शुड ऑपरेट इन डिपेंडेंटली ऑफ द इंटरनल चेक एंड इन नो केस शुड डाइवेस्ट एनी वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी पान हीम देखिए आपको एक पॉइंट यहाँ की रखा गया आपके सामने कि हो जरूरी है कि ये इनडिपेंडेंट हो यानी आपको अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है और आपकी स्किल्स की एक्सपर्टीज़ की बेसिस पर सीनियरिटी बेसिस पर आपको इंटरनल ऑडिट टीम का मेंबर बना दिया जाता है सीनियर इंटरनल ऑडिटर बना दिया जाता है कि आपका काम यह है आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाएं या अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में जाएं कैश यूनिट में जाएं आप सेल यूनिट में जाएं आप परचेज में जाएं और रिकॉर्ड चेक करें और अगर कोई आपको फ्रॉड या एरर्स नज़र आते हैं आप रिपोर्ट करें तो अब आप जब किसी भी यूनिट में जाते हैं काम तो आपको इंडिपेंडेंटली करना चाहिए ठीक है लेकिन अगर आप देखते हो कबाज के वहां जब भी आ, आप ऑडिट स्टार्ट करते हैं तो क्योंकि प्रोफेशनल जेलिसी हो सकती है फेवरेटिज्म हो सकता है नेपोटिज्म हो सकता है डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जो आपको Uh, जिसकी बेसिस पर फिर आप गलत ओपिनियन करते हैं इंटरनल ऑडिट टीम जो है वो अपने इम्प्लाइज uh, को अपने कोलीग्स को प्रोटेक्ट करते हैं प्रोटेक्शन देने की कोशिश करते हैं तो यहाँ फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं और इंटरनल ऑडिट की जो वर्थ है वो वीक uh, होती है तो अब नेक्स्ट हम पॉइंट ले रहे हैं इंटरनल कंट्रोल में वाट इज़ इंटरनल कंट्रोल बाई इंटरनल कंट्रोल इज मी इट इज मीन नॉट ओनली इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट बट द होल सिस्टम ऑफ कंट्रोल यानी यहाँ फिर सिर्फ इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेक इंटरनल कंट्रोल को कम्प्लीट नहीं कर देते यहाँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मुकम्मल ऑपरेटिंग सिस्टम उसका ऑपरेशन operation, उसकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज उसका फाइनेंशियल सिस्टम उसका नॉन फाइनेंशियल सिस्टम उसका कंडक्ट उसका मैनेजरियल अप्रोचेज़ मैनेजीरियल फ़िलासफी मैनेजीरियल कंडक्ट आपकी आप इंटरनल कंट्रोल कहेंगे uh, जैसे कहा गया फाइनेंशियल एंड अदरवाइज इंटरनल कंट्रोल फाइनेंशियल भी हो सकता है और अदरवाइज मींस कि नॉन फाइनेंशियल इंटरनल कंट्रोल जो जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ इंटरनल कंट्रोल जो है जैसे मैंने प्री कंट्रोल कहा जैसे हेरकी है ऑर्गेनाइजेशनल uh, जैसे vertical है कल हैरकी हम देखते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ फाइनेंस फाइनेंस डिपार्टमेंट में या अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में ही सिर्फ इंप्लीमेंटेड हो आप जहाँ भी देखते हैं किसी आप इदारे में जाते हैं आपको रिसेप्शन नज़र आता है तो रिसेप्शन का अपना एक इंटरनल कंट्रोल है इसी तरह आप देखते हो एग्जाम एक, एग्जामिनेशन नज़र आते है उसका अपना एक इंटरनल कंट्रोल है फाइनेंस यूनिट उसका अपना एक इंटरनल कंट्रोल है अब हर यूनिट को कंट्रोल करने के लिए आपने एक अलहदा हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हायर किया हुआ है जो उस यूनिट को देख रहा होता है वो ये हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल है इसने रिपोर्ट करना होता है एक ही आप कह सकते हैं कि टॉप uh, मैनेजर को या मिडल मैनेजर को अब उसने फर्दर एग्जीक्यूटरी ने रिपोर्ट करना होता है एडमिनिस्ट्रेटर को एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को या एडमिनिस्ट्रेटर uh, या टॉप मैनेजर को तो यहाँ से एक इंटरनल कंट्रोल चल रहा होता है सिक्योरिटी सिस्टम को देखते हैं तो उसका एक अपना पर्सन होता है हेड ऑफ़ यूनिट होता है जो अपने ही डिपार्टमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है तो ये तमाम जब डिफरेंट uh, यूनिट्स के कंट्रोल सिस्टम हम कंबाइन करते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है और ये ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल सिस्टम पे ही ऑपरेट कर रही होती है जिस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल सिस्टम वीक होते हैं इंटरनल कंट्रोल वीक होते हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन में करप्शन उस ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड उस अनथिकल कंडक्ट हमें नज़र आता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन उनका उसका सर्वाइवल जो है वो ईजी नहीं होता प्रॉब्लम्स की फेस करनी पड़ती है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनल कंट्रोल हमने कहा कि जरूरी नहीं है ये सिर्फ फाइनेंशियल फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम किसी ऑर्गेनाइजेशन का कंडक्ट इंटरनल कंट्रोल है मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू कैरी ऑन कंपनी इन एन ऑर्डरली मैनर रिकॉर्ड्स इंटरनल कंट्रोल क्या है आपके एसेट्स को प्रोटेक्शन में आपका सिस्टम आपके रूल्स रेगुलेशन आपके स्टैंडर्ड्स आपका सिक्योरिटी सिस्टम ये इंटरनल कंट्रोल है कि आपके एसेट्स की मींस uh, के श्रिंकेज ना हो आपके एसेट्स का मिस यूज ना हो एसेट्स गलत यूज ना किए जाए इम प्रॉपर परचेजिंग ना हो इमर इन्वेस्टमेंट ना हो तो ये देखते हो आप इंटरनल कंट्रोल है आज आप काफी यूनिट पब्लिक यूनिट्स देखते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ वीक वीक इंटरनल कंट्रोल की बेसिस पर वो ऑर्गेनाइजेशन फ्लॉप हुई हैं उनगेनाइजेश डाउन साइजिंग की तरफ गई हैं वो आग, उन उनगेनाइजेशन की वर्थ डिक्लाइन हुई है और उसका रीज़न क्या है कि उनके एसेट्स प्रोटेक्टेड नहीं है श्रिंकेज लॉस बहुत ज्यादा है कि आपके वर्कर्स ही आपके ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुँचा रहे हैं आपके वर्कर्स ही ऑफ टाइम में आप देखते हो कि लास्ट श्रिंकेज लॉस करते हैं थेफ्ट करते हैं चोरी करते हैं तो ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है जो आप किसी भी कंपनी के एसेट्स uh, प्रोटेक्शन में लाइबिलिटी मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट में आपको हेल्प आउट करता है दस इट इज अर दैट इंटरनल कंट्रोल एक्सप्रेशन इज यूज इन अ वाइड सेंस एंड इंक्लूड्स इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट एज वेल तो इंटरनल कंट्रोल में इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेक उसका पार्ट है जब इंटरनल ऑडिट हो रहा होता है रिपोर्टिंग कर देते हैं इंटरनल मैनेजमेंट को और इंटरनल चेक हो रहा होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का और ये जब ये डिफरेंट एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स कंबाइंड होते हैं तो ये इंटरनल कंट्रोल बनता है तो अब हम डिफरेंसेस uh, देख चुके हैं इंटरनल चेक इंटरनल ऑडिट और इंटरनल कंट्रोल पर तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम जा रहे हैं जो है इंटरनल ऑडिट